बिजली की खोज दुनिया का एक क्रांतिकारी कदम था। बिजली के आविष्कार के पीछे कई वैज्ञानिकों का प्रयास था। वैसे बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, इसकी खोज की गई थी। बिजली के बिना तकनीकी युग संभव नहीं था। वर्तमान में कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, कार इत्यादि बिजली की ही शक्ति से चलते हैं। विद्युत के बिना इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का चालन संभव नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में हम विद्युत भी कहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज इलेक्ट्रिसिटी क्या है और इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने की, इन प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। बिजली की खोज ने आधुनिक दुनिया की नींव रखी थी। विद्युत की खोज वर्ष 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। फ्रैंकलिन ने बताया कि बिजली को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट कर सकते हैं। उन्होंने बिजली को खोजा और समझा था। फ्रैंकलिन ने बादलों के तरत पर अध्ययन करके बिजली की खोज की थी। उन्होंने रात को बारिश के समय आसमान में पतंग उड़ाकर विद्युत तरंग का खोज किया था। फ्रैंकलिन ने पतंगों की डोर के दूसरे हिस्से पर एक लोहे की चाबी लगा दी। जब फ्रैंकलिन ने उस चाबी को छुआ तो उसमें करंट का झटका महसूस हुआ। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने छड़ का आविष्कार भी किया। उन्होंने अपने प्रयोग में बताया कि आसमान की तरित में विद्युत ही है। फ्रैंकलिन ने आवेश के बारे में बताया कि धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार के स्थिर आवेश होते हैं। केवल फ्रैंकलिन ही नहीं, बिजली की खोज के कई इतिहास में ऐसे कई वैज्ञानिकों का नाम आता है। फ्रैंकलिन के द्वारा खोजी गई इलेक्ट्रिसिटी को अन्य वैज्ञानिकों ने समझा और कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए थे। वर्ष 1800 में इटली के भौतिक वैज्ञानिक अलेसान्द्रो वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर किया जा सकता था। उन्होंने अपने इस आविष्कार से यह सिद्ध किया कि रासायनिक क्रियाओं के जरिए विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। आगे चलकर वर्ष 1831 में इलेक्ट्रिक डायनमो का आविष्कार हुआ था। माइकल फैराडे ने डायनमो का आविष्कार किया था। डायनमो विद्युत जनरेटर थे जो बिजली का उत्पादन करने में सक्षम थे। यह डायरेक्ट करंट मतलब डीसी उत्पन्न करता था। फैराडे को आधुनिक युग का विद्युत खोजकर्ता भी कहा जाता है। वर्ष 1878 में थॉमस एल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था, जिसने दुनिया को रोशन कर दिया। उन्होंने विद्युत के क्षेत्र में दृष्ट धारा की खोज की थी। दुनिया का पहला पावर पॉइंट भी एडिसन ने ही बनाया था। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने अल्टरनेटिव करंट की खोज की थी। यह विद्युत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम था। ट्रांसफार्मर की खोज ने इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया और इलेक्ट्रिसिटी को एक आसान सा रास्ता प्रदान किया। इसकी मदद से विद्युत धारा की प्रबलता कम की जा सकती है। विलियम गिलबर्ट ने बिजली के लिए इलेक्ट्रिसिटी से मिलता जुलता शब्द इलेक्ट्रिक्स का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम इलेक्ट्रिसिटी शब्द का प्रयोग थॉमस ब्राउन ने किया था। इतिहास में अगर पीछे जाएं तो यूनान के इतिहास में प्राचीन बैटरी का जिक्र आता है। ये बैटरियां तांबे से बनी होती थी। पुरातत्व खोजकर्ताओं ने इनके वर्ष 1930 में खोज की थी। इससे यह सिद्ध होता है कि करीब 2000 साल पूर्व भी लोगों को विद्युत का उपयोग पता था। यूनान के लोगों को यह पता था कि दो वस्तुओं को रगड़ने पर परस्पर आकर्षण पैदा होता है, इसे विद्युत चुंबकीय गुण कहते हैं। यूनान के वैज्ञानिक थेल्स ने अंबर से फर को रगड़कर इस आकर्षण का खोज किया था। यह आकर्षण स्थित विद्युत थी। वैसे दोस्तों, वस्तुओं को रगड़ने पर पैदा हुआ आकर्षण गुण आपके दैनिक जीवन में भी महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे देख सकते हैं, यदि आप बालों में कंघी करते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि अगर आपके बालों के आसपास कागज के टुकड़े हो तो वो आपके बालों से आकर्षित होते हैं। बिजली या विद्युत की ही एक शक्ति है। इसे ऊर्जा भी कह सकते हैं जो प्राकृतिक से पहले मौजूद है। विद्युत को देखा नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन के प्रवास के कारण ही विद्युत उत्पन्न होती है। आप यह भी जानते हैं कि किसी भी तत्व को सबसे छोटा कण परमाणु होता है। परमाणु के अंदर नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ को अलग करके फ्री किया जा सकता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विद्युत प्रवाह के लिए जिम्मेदार होते हैं। किसी भी चालक पदार्थ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि आसमान आवेश आकर्षित होते हैं। यहाँ पर विद्युत आवेश होता है जिसे विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। वस्तुओं को रगड़ने से आवेश पैदा होता है जिससे वस्तु में वैद्युत गुण आ जाते हैं, जिसे स्थिर वैद्युत भी कहते हैं क्योंकि इसमें आवेश की मात्रा स्थिर होती है। यही आवेश जब किसी तार में प्रवाहित होता है तो इसे विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत प्रवाह के आधार पर ही पदार्थों को हम दो भाग में बांट सकते हैं,
इन्हें सुचालक और कुचालक पदार्थ कहते हैं। विद्युत सुचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विद्युत का चालन करते हैं, जैसे कि चांदी, लोहा, कॉपर इत्यादि। कुचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इन पदार्थों में लकड़ी, प्लास्टिक इत्यादि आते हैं, इसलिए सुचालक पदार्थों से विद्युत संचालन के लिए तार बनाए जाते हैं। ज्यादातर तार कॉपर या एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। विद्युत तार में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है और इसी कारण विद्युत आवेश का प्रवाह होता है। बारिश के दिनों में आसमान में बिजली का कड़कना भी विद्युत का ही एक रूप है। विद्युत चुंबकीय प्रतिक्रिया के द्वारा भी बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। रात के अंधेरे में बिजली की मदद से प्रकाश से रोशनी दी जाती है। गर्मी लगने पर पंखा या कूलर या एसी चलाकर ठंडक का एहसास करते हैं। सोचिए, अगर बिजली ना होती तो क्या होता? रात को बिजली चली जाए तो आप कितने परेशान हो जाते हैं। बिजली या विद्युत ने हमारे जीवन को आसान बनाया है, इसलिए हमें बिजली कम खर्च करनी चाहिए। आपके घरों में जो विद्युत आती है वह एसी होती है, अल्टरनेटिव करंट, जबकि बैटरी में डीसी मतलब डायरेक्ट करंट इस्तेमाल किया जाता है। बिजली को पैदा करने के लिए बाहरी शक्ति की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिकों ने पानी की शक्ति से बिजली बनाई, परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा की इत्यादि कई विधियों से विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया। बिजली आने के कई स्रोत हैं, जिसमें सौर ऊर्जा, जैविक ईंधन जैसे कि कोयला और पवन ऊर्जा भी आती है। जिन स्थानों पर बिजली पैदा करके घरों तक भेजी जाती है उन्हें पावर स्टेशन या पावर प्लांट कहते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इस तरह की तमाम रोचक और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिकल इंडियंस को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को टैग करें ताकि आप हर अपडेट पर बने रहें और आपको हर अपडेट मिलता रहे। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।